स्पाइडरमैन 4 कब आएगा और इस मूवी की क्या स्टोरी होगी, क्योंकि जैसा कि नो वे होम के एंडिंग में हमने देखा ही था कि अब पीटर पार्कर को हर कोई भूल गया है और अभी वो एकदम अकेला है। तो ऐसे में स्पाइडरमैन 4 में क्या देखने को मिलेगा, वेल आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कुछ दिनों पहले ही इस मूवी को लेकर ऐसे अपडेट आया था कि इस मूवी की शूटिंग इसी ईयर के एंडिंग में शुरू हो जाएगी और इस मूवी की स्टोरी को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी स्टोरी स्ट्रीट लेवल पे फोकस करने वाली है और इस मूवी में हमें डेयर डेविल को भी दिखाया जाएगा जो कि स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करेगा। अब नो वे होम में तो हमने मैट मर्डॉक और पीटर पार्कर को एक साथ देख लिया था, लेकिन स्पाइडरमैन 4 में डेयर डेविल और स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाया जाएगा जो कि मूवी का विलन जो कि शायद से किंग पिंग हो सकता है उसके अगेंस्ट ये दोनों लड़ने वाले हैं। वैसे इससे पहले डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीरीज रिलीज हो जाएगी जिसमें किंग पिन ही मेन विलन होने वाला है। तो स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी डेयर डेविल बॉर्न अगेन की बात की होगी जिसमें इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में और भी अच्छे से बताया जाएगा और इसके अलावा इस मूवी में पीटर पार्कर के लाइफ को और भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि पिछले तीनों मूवी में ये सिर्फ स्पाइडर बॉय था लेकिन नो वे होम के बाद अब ये रियल स्पाइडरमैन बन गया है। तो इस मूवी में इसकी जर्नी को और भी अच्छे से दिखाया जाएगा जिसमें पीटर पार्कर के स्ट्रगल भरी लाइफ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे नेड और एमजे के जाने के बाद पीटर अब अकेला हो गया है और अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा इस मूवी में और भी कई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि स्पाइडरमैन के फ्यूचर मूवी में देखने को मिल सकता है, जैसे कि ब्लैक कैट, होप गोब्लिन और हैरी ऑसबॉर्न, जिनका इस मूवी में दिखने का रूमर्स काफी ज्यादा फैल रहा है। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन 4 में जे जेमिसन का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यार स्पाइडरमैन कोई काम करे और उसको ये ना बिगाड़े वेल ये तो हो नहीं सकता। वैसे इस मूवी के एंडिंग में हमें कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन को कैंग डायनेस्टी में दिखाया जाएगा जो कि एक मल्टीवर्स मूवी होने वाली है। तो इसी से लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इसके एंडिंग में हमें टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को मल्टीवर्स ट्रेवल करते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन से वापस से मिलेगा और उन दोनों को अपने यूनिवर्स में वापस से बुलाएगा जो कि हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। वैसे इन सब के अलावा मूवी में वेनम को भी दिखाया जाएगा जो कि नो वे होम के लास्ट सीन में देखने को मिला था। अब स्पाइडरमैन वेनम से कैसे मिलेगा और उसे अपना ब्लैक सूट कैसे मिलेगा ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर तुम चाहते हो कि स्पाइडरमैन 4 के बारे में मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन गुड बाय।